हे दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। जैसे कि आपको पता होगा कि इंडियन आइडल का फिनाले बहुत पास में आ रहा है, और जैसे फिनाले पास में आ रहा है वहाँ के कंटेस्टेंट भी कम होते जा रहे हैं, मींस इलिमिनेट होते जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ सीन हुआ आशीष कुलकर्णी के साथ, जो कि बहुत अच्छे कंटेस्टेंट थे, वहाँ के बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिए थे, बट उनको कम वोट मिलने के कारण वो पिछले एपिसोड में ही इलिमिनेट हो गए। शो में आपको मोमेंट दिखाना चाहूँगा जब अनु मलिक ने अनाउंस किया था कि आशीष कुलकर्णी शो छोड़ के जाने वाले। सो चलिए देखते हैं। थैंक यू। आज का जो फैसला होगा कंटेस्टेंट्स, वो सिर्फ और सिर्फ जनता का फैसला है। सभी लोग, सभी सिंगर्स आज स्टेज पर आ जाएं। कंटेस्टेंट्स, मेरे हाथ में जनता का फैसला आ चुका है। सबसे हाईएस्ट वोट जिसको मिले हैं वो है अरुणीता कांजीलाल। अरुणीता, आपको जनता ने हाईएस्ट वोटेड कंटेस्टेंट बनाया, तो आप इस हफ्ते प्रोटेक्टेड हैं। और जनता के वोट के हिसाब से जिस कंटेस्टेंट का इंडियन आइडल का सफर आज खत्म हो रहा है, वो कंटेस्टेंट का नाम है आशीष कुलकर्णी। सो गाइस, जैसे आपने देखा कि आशीष कुलकर्णी अभी शो से लेफ्ट हो चुके हैं, बट हमें भूलना नहीं चाहिए कि वो इंडियन आइडल शो से लेफ्ट हुए हैं, जिसकी पॉपुलैरिटी ऑल ओवर इंडिया में बहुत ज़्यादा है। मीन्स यहाँ कंटेस्टेंट टॉप 10, टॉप 7 तक पहुँचते पहुँचते इतनी पॉपुलैरिटी गेन कर लेते हैं कि उनकी जो आगे के स्ट्रगल है उनके लिए आसान हो जाती है। और कभी कभी तो इस शो में कंटेस्टेंट को बॉलीवुड सॉन्ग्स के भी ऑफर आ जाते हैं। सो ये बात बहुत अच्छी है शो की। और मैं भी ये मोमेंट देख के आशीष कुलकर्णी के फ्रेंड्स नाराज़ हो गए होंगे, बट हमें भूलना नहीं चाहिए कि बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे सिंगर हैं जो कि शो के विनर तो नहीं थे, बट अभी बहुत अच्छे सिंगर हैं। सो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आशीष कुलकर्णी शो छोड़ के जाना चाहिए थे या नहीं जाना चाहिए थे? आप अपनी राय बताइए कमेंट सेक्शन में। और हाँ, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बड़ा धन्यवाद।